सुबीर दादिश है और इंडस्ट्री में पिछले 8 साल 9 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं रिसेंटली एक प्रोडक्शन हाउस है गुरांग दोषी, वहाँ पे मेरा वर्क है। बाकी एज प्रोड्यूसर एज फिनेंसर मेरा जो मेन वर्क है फिनेंस करना और प्रोड्यूसिंग करना है। और रही बात अजहर भाई की, अजहर भाई का ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, फुकरे पेइंग गेस्ट। तो आप लोगों ने जैसे पिक्चर देखी होगी फुकरे, और एक पेइंग गेस्ट पिक्चर भी आई थी, तो दोनों ही पिक्चरें मसाला कॉमेडी फिल्म थी। अब दो फिल्मों को मिला के एक फिल्म को बनाना, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस फिल्म के अंदर कितनी कॉमेडी होगी, कितना मज़ा होगा। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट अजहर भाई और हर्ष भाई हम लोगों ने कोशिश की है बनाने की, ताकि आप लोग उसको देखें और आप लोगों को मज़ा आए, और फिल्म को आप लोग की ब्लेसिंग्स चाहिए, हम लोगों को भी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। अजहर से आप थोड़ा फिल्म की और अच्छे से बातें कर सकते हैं। ऑफकोर्स, और इसके बाद में जो एक प्रोजेक्ट है मेरा, जो सिनेमेटिक इंडिया मेरा प्रोडक्शन हाउस है और थॉट्स एंटरटेनमेंट मेरी खुद की कंपनी है, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो बॉलीवुड प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है फिल्म का अतरंगी। तो वो बहुत जल्दी हम उसके काम को स्टार्ट करने वाले हैं, और अजहर भाई जो है उस टीम में एक बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। तो बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, और ब्लेसिंग्स आई होप के साथ रहेंगे आप सभी की। क्यों भाई हूँ, मैं अजहर हुसैन, मैं बॉलीवुड करियर में लगभग 17 सालों से काम कर रहा हूँ। ये हमारी फिल्म फुकरे पेइंग गेस्ट ऐसी फिल्म है, ये हमेशा मुंबई शहर में आने वाली जितनी स्ट्रगल्स करते हैं, बॉलीवुड्स में ऑडिशंस देते हैं, उनकी वो लाइफ तो सभी लोग जानते हैं, पर अंदर की लाइफ क्या है। लोगों के सामने एक बहुत प्यारा सा फ्लैट है जिस घर में वो रह रहे होते हैं, पर अंदर की लाइफ क्या है। मेन केमिस्ट्री, फिल्म की जो केमिस्ट्री है बहुत प्यारी केमिस्ट्री है, और फिल्म को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ मुश्किल वक्त नहीं लगा। बहुत शॉर्ट टाइम में हमने इस फिल्म का पूरा स्क्रिप्ट को सजाया, स्टार कास्ट को हमने प्लान पूरा किया। फिल्म में कुछ नए कलाकार भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, और फिल्म में कुछ सेलेब्स भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो कि एक तरह से उनका सपोर्ट है हमें इस फिल्म को अच्छा बनाने के लिए। और रही बात अबीर भाई की, उन्होंने जैसे भी कहा कि फिल्म एक पेइंग गेस्ट एक फिल्म आ चुकी है, और एक फिल्म आ चुकी है फुकरे, दोनों का मिलकर हम लोगों ने कॉम्बो किया फुकरे पेइंग गेस्ट, तो फन अनलिमिटेड है कि वॉचिंग। अच्छा, इसका शूट कहाँ करोगे? इसका शूट पूरा मुंबई में रहेगा इस पेइंग गेस्ट मूवी का, बिकॉज ऑफ कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जो कि हमें मुंबई शहर में इजी मिल जाते हैं। लोग हमेशा शूट करने के लिए बाहर जाते हैं, मुंबई से बाहर जाके शूट करते हैं, पर हमारा प्लान है इस पूरी फिल्म का शूट मुंबई में करेंगे, क्योंकि पूरी जर्नी मुंबई की है, मुंबई को हम दर्शाने वाले हैं अच्छे से। और एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगा मैं कि ये जो शूटिंग हम लोग मुंबई में कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे को सपोर्ट कर रहा है वो है मुंबई पुलिस, जिसमें ओशिवारा पुलिस स्टेशन हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, वर्षों हुआ हमारे को सपोर्ट कर रहा है, तो सबसे अच्छी बात है किसी फिल्म में पुलिस वाले भी सपोर्ट करते हैं। भाई पुलिस वाले भी सपोर्ट करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा कि पुलिस वाले हमारी फिल्म को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि स्टोरी जो है वो रियल बेस्ड स्टोरी है, कि जो रियलिस्टिकली चीज़ें हो रही है वो सब चीज़ें। बाकी हमारे जो हर्ष भाई हैं, हर्ष भाई श्री फिल्म के प्रोड्यूसर हर्ष भाई, और हमारी फिल्म में ये लीड भी कर रहे हैं, एज अ लीड हीरो भी फिल्म में यही है हर्ष। हर्ष भाई बताएं, मेरा तो लीड कैरेक्टर है, बट ये कैसा है कि हम लोग जो बनाए, जो ये मेरा थॉट था, तो मैं सिंगल था वो टाइम पे, बट राइट नाउ मेरे साथ अजहर भाई मिले, और अजहर भाई मिलने के बाद ये इतना बड़ा होने वाली है तो मैं कभी सोचा ही नहीं था। और ये तो जो है, ये जैसे कि अजहर भाई बोले कि ये पेइंग गेस्ट और विथ फुकरे, दो लोगों को मिलकर, मतलब दो कैरेक्टर मिलकर ऐसे, मतलब जो पीजी में रह रहे हैं उनका हकीकत, जो डेली में क्या होता रहता है उनके लाइफ में, वो दिखाए हम लोग। और उसके बाद में वो जो भी, मतलब प्यार कर रहे हैं, ये जो है ये फुकरे पेइंग गेस्ट जो है, जो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा ऐसा ये चीज़ बहुत अच्छे बनते जा रही है, और हम लोग के साथ बहुत से अच्छे से आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं, और मैं भी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन, मतलब शॉर्ट फिल्म कि हम लोग इतना ये कॉमिक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, और आई होप यू विल एंजॉय दैट एंड डेफिनेटली विल। माय नेम इज स्नेहा तिवारी एंड दिस इज़ द शॉर्ट मूवी लाइक फुकरे पेइंग गेस्ट। सो इट्स अ कॉमेडी मूवी, फुल कॉमेडी मूवी एंड डायरेक्टेड बाय अजहर हुसैन एंड प्रोड्यूस बाय द सेम द हीरो। And I'm playing as a heroine, I mean the lead actually character मैं इसमें play कर रही हूँ, और इसमें character का नाम है श्रद्धा and sorry, I'm so sorry, that's Shreya, and जो श्रेया is she is a model, she is kind of attitude वाली लड़की है, and उनके पिताजी जो हैं वो एक उनका एक खुद का एक restaurant है, and restaurant में वो उनकी बेटी है actually, तो she is kind of that. Exactly, सही बोला, जैसे कि शीरा ने ये हमारी फिल्म में ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही है जो कि बड़ा चुलबुल नटखट सा कैरेक्टर तो है,
पर थोड़ा एटीट्यूड है, थोड़ा सा चुलबुलपना है, पर वो एक रेस्टोरेंट की बेटी है, वो एक अन्ना है। अभी बहुत जल्दी आपको अन्ना से मिलाने वाले हैं हम। अन्ना जी डैडी आ जाइए फटाफट हमारे पास। जतुल कॉक ने एंड तो मैं दिल्ली से हूँ, 4 साल मैंने थिएटर किया है दिल्ली में, उसके बाद मैं मुंबई आया। मुंबई में एक वेब सीरीज़ की है विद अनुराग कश्यप जी कॉल्ड सेक्रेट गेम्स, तो मैंने अभी यही किया है। और अभी मैं ये कर रहा हूँ फुकरे पेइंग गेस्ट, इसमें मैं अन्ना का कैरेक्टर निभा रहा हूँ जो इनके फादर हैं अन्ना। और तो ये जो अन्ना का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी एंग्री कैरेक्टर है, हमेशा गुस्से में रहते हैं, और जो कस्टमर्स आते हैं इनके पास वो बिल चुकाते हैं नहीं चुकाते हैं, तो इस वजह से वो काफ़ी गुस्से में रहते हैं। तो ये मेरा कैरेक्टर है, थैंक यू। मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं स्टैंड अप आर्टिस्ट प्लस एक्टर हूँ, और कम से कम 25-26 सालों से कर रहा हूँ स्टेज। और अदर भाई ने बताया कि कुछ अच्छा वाला है, कुछ रोल मिल रहा है करो, तो मैं फटक से आ गया रोल के लिए, आइसक्रीम के रोल के लिए नहीं, फिल्म का रोल है। और पता नहीं क्या रोल है, अभी बताएंगे तब पता चलेगा। हाय, माय नेम इज श्वेक, एक्चुअली आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अमन, एक्चुअली ही इज़ अ एबनॉर्मल पर्सन इन दिस शॉर्ट फिल्म, सो आई एम प्लेइंग सम यूनिक कैरेक्टर इन दिस। सो इसमें एक, जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ी कॉमेडी मूवी है, एक कॉमेडी फिल्म शूट हो रहा है इसमें, सो एक हर करेक्टर का एक अपना अपनी इंडिविजुअलिटी होती है उसमें, कि मतलब ये कैसा करेक्टर करता है क्या। अब मैं हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें गिटारिस्ट हूँ, जो कि एकदम बिल्कुल बेकार गिटारिस्ट है, बट गाता हूँ इसमें। एंड देन साथ में इसमें एक एबनॉर्मल पर्सन हूँ, जो कि जो लीड करेक्टर है जिसका नाम श्रेया है, उसको चाहता हूँ मैं, बट क्या है कि वो मेरे को एक अच्छा दोस्त मानती है, बट मैं अंदर अंदर से ये सोचता हूँ कि हाँ मैं उसको लाइक करता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। तो मेरा कुछ करेक्टर ऐसा ही है, थोड़ा एबनॉर्मल टाइप का, थोड़ा पागल टाइप का। सो थैंक यू, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा ये। हाय, मेरा नाम मोहित है, मैं मेरा कैरेक्टर का नाम भी मोहित है, पेइंग गेस्ट मेरा शॉर्ट मूवी की नाम है, इसको डायरेक्ट अजहर सर कर रहे हैं मेरे, जो कि बहुत कॉमेडी है इसमें, आप लोग आई थिंक बहुत प्यार देंगे इसको, क्योंकि अजहर भाई इंडस्ट्री में कम से कम 8-9 साल से हैं, सो आई थिंक ये बहुत ऊपर जाने वाला है। और मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर का कैरेक्टर है इसमें शॉर्ट मूवी में, जो मैं प्ले कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम अभीर दाधीच है और इंडस्ट्री में तकरीबन 8-9 साल से मैं काम कर रहा हूँ। सर मैं इधर देखूँ, आई एम प्लेइंग ए कैरेक्टर ऑफ युवराज, जो एक्चुअली ये कहानी है उन स्ट्रगलर्स की जो मुंबई में कुछ करने आते हैं, कुछ बनने के लिए आते हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्य से लोग आए हुए हैं, बच्चे पीजी आए हुए हैं, इकट्ठे रहते हैं, और जो किराया नहीं दे पाते, रेंट नहीं दे पाते, और ये कहानी है उन पेइंग गेस्ट से कि वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन भाड़ा नहीं दे पा रहे, और उनके जो कैरेक्टर्स हैं बहुत फनी हैं, उसका नाम भी हमने फन अनलिमिटेड रखा हुआ है, बहुत फनी है, बहुत अच्छे कैरेक्टर, और जो स्क्रिप्ट है बहुत बांधने वाली है, और आई होप सबको अच्छी लगेगी। यूपी सहारनपुर से, और जितने भी फिल्म में फुकरे हैं जो पेंगेश में रहते हैं वो मुझे को परेशान करते रहते हैं, एक छोटा सा करेक्टर है मेरा इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, और फिल्म को देख के काफ़ी मजा आने वाला है आप लोगों को। भारद्वाज है और मैं फुकरे पेइंग गेस्ट में एक अच्छा करैक्टर कर रहा हूँ राम का, जो एक भक्त टाइप का है, और इससे सारे जो भी उसके फ्रेंड हैं ना उनको सबको प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि आज के ज़माने में सब लोग सिर्फ मनी और धुआं उड़ाना चाहते हैं, और मैं अगरबत्ती भगवान पे, तो मेरा ना सिर्फ भक्ति टाइप का है, तो ये कैरेक्टर मुझे जब मुझे मेरे सामने ये स्क्रिप्ट रखी गई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और श्री हर्ष जी ने मुझे इसके लिए सेलेक्ट किया, इसके लिए उन्हें धन्यवाद, और अजहर सर ने हमें भी चूज किया, इसके लिए भी उन्हें भी बहुत बहुत थैंक यू, और सारे ग्रुप को मेरे तरफ से थैंक यू, और ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, और मैं चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी जाए, और आने वाले भविष्य में इस फिल्म से जितने भी एक्टर हैं और डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है इनको सबका सबका अच्छा हो। जय हिंद। ये हमारी फिल्म में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रोल्स कर रहे हैं, इंडस्ट्री में सभी ने जानते हैं नितिन रायकर, एक लिरिक्स राइटर और सिंगर भी है, इनके गाने बहुत हिट हैं,
बॉक्सर भाई पटेला जेब जब सेल जाएगा एक्सक्यूज मी एंड आतिका खंडाला सबसे बड़ा हिट गाना आज तक का। लाल सिंह की फिल्म थी सबसे बड़ी वेलकम बैक जिसमें ये म्यूजिक डायरेक्टर थे और लिरिक्स राइटर तो बहुत मशहूर है चुके। अब आप कुछ बोलिए नितिन भाई। बस बोलना क्या है, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी जो फिल्म है इसमें गेस्ट अपीयरेंस में मैं रोल कर रहा हूँ और मैं इनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई कि बहुत अच्छा काम हो और बहुत अच्छा बने और आपका साथ चाहिए बस। थैंक यू। शुक्रिया। पेइंग गेस्ट का मुहूर्त हुआ है, अजर भाई इसके डायरेक्टर है, क्या कहना इनके बारे में, फिल्म के बारे में? देखिए हमारी ये जो मूवी आ रही है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे अजर भाई जी, ये हमारे बहुत ही, एक तो बहुत ही जिगरी दोस्त है और बहुत ही प्यारे मित्र है मेरे, और ये जो पिक्चर बना रहे हैं फुकरे पेइंग गेस्ट, इसका जो टाइटल है वो आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये किस चीज़ के ऊपर बन रही है। मुंबई शहर में लोग बहुत सपने लेके आते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और जब उनको यहाँ पे इस चीज़ का पता चलता है कि मुंबई शहर में आखिर किस किस चीज़ से गुजरना पड़ता है, ये जो टाइटल है ना, मेरे को लगता है कि बहुत प्यारा टाइटल है ये, और ये पिक्चर जो है सुपरहिट होने वाली है और लोगों को पता चलेगा कि आर्टिस्ट को क्या क्या स्ट्रगल करके जो है आगे बढ़ता है, उसको जो मुकाम मिलता है आदमी सोचते हैं यार ये इतना बड़ा स्टार बन गया है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब वो मुंबई शहर में आया था तो वो किसी को कोई मालूम नहीं होगा कि यार इसने कितनी परेशानी का सामना किया होगा, कितनी कठिनाइयों से गुजरा होगा और क्या क्या उसके ऊपर विपदा आई होगी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं मुंबई शहर में जिसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करता है मुंबई शहर में, क्योंकि वो वापस भी नहीं जा सकता और यहाँ पर काम भी नहीं कर सकता। और रही बात हमारी ये जो पिक्चर है, तो मैं इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि ये हमारी पिक्चर जल्द से जल्द बने और सुपर हिट हो, जिससे हमारे भाइयों का नाम रोशन हो और हमारा साथ इनके साथ हमेशा रहेगा, जब भी कोई ज़रूरत होगी तो हम इंशाल्लाह इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद। दिस इज अजय सक्सेना, बेसिकली आई एम ए कोरियोग्राफर और ये जो मूवी है फुकरे पेइंग गेस्ट, इसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर का काम कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है और अजहर भाई जो इसके डायरेक्टर हैं उनके साथ काम करने के लिए मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं ऐसे गुनी आदमी और ऐसे डायरेक्टर के साथ में काम करूं, तो आज मुझे मौका मिला है और उनके साथ एसोसिएट डायरेक्टर का रोल निभा रहा हूं मैं। इसमें कोई डांस नहीं है बट मुझे अच्छा लगेगा, मैं नई नई चीज़ें करता हूं हमेशा, मुझे अच्छा लगता है। और हर्ष हैं हमारे जिनकी ये मूवी है फुकरे पेइंग गेस्ट, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर एंड he is also writer of this movie, so I'm very happy I get the good team, I'm very happy to work with them, thank you guys। aur aap is movie ko dekhenge aapko bahut acha lagega, ye har aadmi jo paying guest hai jo rehne aate hai room mein kitna struggle hai kitna wo log mehnat karte hain wo aapko dekhne milega, to please movie zarur dekhiyega, thank you very much।